हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के आचार्य में। तो दोस्तों, आज इसका तीसरा एपिसोड है और आज हम आपके लिए बहुत जो यूज़फुल जी के है वो लेके आए हैं। और ये काफ़ी कठिन सवाल हैं, यानी कि ये 20 सवाल बहुत ही कठिन सवाल हैं जिसका जवाब हम आपके लिए लेके आए हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज एपिसोड, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा साबित हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में पहला सवाल है, किस आधार पर हड़प्पा की सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना गया था? इसके लिए ऑप्शंस हैं, तत्कालीन परिष्कृत भाषा, कृषि में प्रयुक्त उन्नत तकनीकी, तत्कालीन प्रचलित अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, हड़प्पा के लोगों के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। इसका सही जवाब है तत्कालीन प्रचलित अपवाह तंत्र, यानी कि जो वहां का ड्रेनेज सिस्टम था वो काफी अच्छा था उनका, जिसके वजह से उनको नगरीय सभ्यता माना गया था। प्रश्न नंबर दो है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, मोहरों की लिपि अभी नहीं पढ़ी गई, खुदाई से प्राप्त कोई भी कृति धार्मिक कृति नहीं मानी जा सकती, हाथी सिंधु घाटी लोगों द्वारा ज्ञात जानवरों में से एक है, नृत्यमग्न लड़की की प्रतिमा कांसा की है। इसका सही जवाब है खुदाई से प्राप्त कोई कृति धार्मिक कृति नहीं मानी जा सकती, यह कथन बिल्कुल असत्य है। अगला सवाल, सवाल नंबर तीन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? ऑप्शंस हैं, तांबा, चांदी, सोना, लोहा। सही जवाब है लोहा। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, उनको नहीं पता था कि ये लोहा क्या चीज होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर चौथा, सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक है, यानी कि उनका सीरियल नंबर कौन सा है वो ठीक है? इसके लिए ऑप्शंस है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। और इसका सही जवाब है, जो इनका सही सीरियल नंबर है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। अगला सवाल, सवाल नंबर पांच, नगर योजना सिंधु सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, यह नगर किस पद्धति पर बने हुए थे? त्रिकोण पद्धति, जाल पद्धति, पंक्ति पद्धति या फिर अव्यवस्थित? इसका सही जवाब है जाल पद्धति। जी हाँ, तब के मकान जाल पद्धति पर बने हुए थे और उस नगर की यही एक खास विशेषता थी। अगला सवाल, सवाल नंबर छह, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसके लिए ऑप्शन है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसके लिए जो सही जवाब है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। आज का अगला सवाल, सवाल नंबर सात, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम प्रमाण निम्न में से किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? इसके लिए ऑप्शन है, संभर और कालीबंगा, बागौर और आदमगढ़, बुर्जहोम और चिरांद, फिकली हल, भीमवेद का। इसके लिए सही जवाब है बागौर और आदमगढ़। जी हाँ, मुझे कुछ डाउट हो रहा था, बट इसका जो सही जवाब है वो है बागौर और आदमगढ़। यस दोस्तों, आज का आठवां सवाल है हमारा। दोस्तों, आठवां सवाल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन सही लग रहे हैं, कि ये क्वेश्चन हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं और हमारे लिए आगे किसी एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपके लिए आपके पास कोई इनपुट्स हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का आठवां सवाल है, सिंधु सभ्यता टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इसके लिए ऑप्शंस हैं, भैंस, भेड़, गाय और सुअर। करेक्ट आंसर इज गाय। गाय उस समय टेराकोटा में विद्यमान नहीं थी।
अगला सवाल, सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति हड़प्पा वासियों को अति विकसित धातु शिल्प की परिचायक है? इसके लिए ऑप्शन है, पशुपति को दर्शाने वाली मुद्रा, पक्की मिट्टी के बर्तन, नर्तकी की लघु मूर्ति, लाजवर्त के मनके। इसका सही जवाब है नर्तकी की लघु मूर्ति। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, सैंधव के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? घोड़ा, हाथी, शेर या फिर बैल? सही जवाब है बैल। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई 1922 में मोहनजोदड़ो के स्थान पर किसके नेतृत्व में हुई? इसके लिए ऑप्शंस हैं, डी आर साहनी, वी ए स्मिथ, आर डी बनर्जी और कैटलवी। इसका सही जवाब है आर डी बनर्जी। जी हां, आर डी बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदड़ो के स्थान पर जो खुदाई है वो प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, हड़प्पा के निवासी कौन थे? इसके लिए ऑप्शन है, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर यानी कि खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे? इसका सही जवाब है कि वो लोग शहरी थे। हड़प्पा के जो निवासी थे वो लोग शहरी जीवन व्यतीत करते थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? इसके लिए ऑप्शन है, महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 2, नंदी वर्मन 2, दंती वर्मन। इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन 2 ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कांची में कराया था। दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो है सवाल पसंद आ रहे होंगे, इनके जो वीडियोस है वो अभी तक आपको पसंद आ रहा होगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? इसके लिए ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? और इसका सही जवाब है राजस्थान में। जी हाँ, कालीबंगा राजस्थान में विद्यमान है। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे, बट यह खोज कहां पर हुई? इसके लिए ऑप्शंस हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, चुनहुदारू, लोथल। और सही जवाब है हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा के वहां पर इस चीज की खोज हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, सिंधु घाटी के लोग किस पेड़ की पूजा किया करते थे? इसके जो ऑप्शंस हैं, नीम के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की या फिर सागौन के पेड़ की? और सही जवाब है पीपल के पेड़ की। जी हाँ, वो लोग पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसके लिए जो ऑप्शंस हैं, यजमान, श्रमण, अथर्वण और श्रेष्ठीन। और इसका जो सही जवाब है वो है श्रमण। जी हाँ, उन लोगों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 18, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, यानी कि कौन से मटेरियल से बनाए जाते थे? इसके लिए ऑप्शन है, ईंट, बांस, पत्थर या फिर लकड़ी? करेक्ट आंसर इज ईंट। सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। आज का अगला सवाल, सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन है, टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा। और सही जवाब है टेराकोटा। जी हाँ, टेराकोटा का उपयोग उस काल की जो मुद्रा थी, मुद्रा यानी कि जो करेंसी होती है, उसके निर्माण के लिए बनाया जाता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 और आज का आखिरी सवाल, आर्य लोग सर्वप्रथम कहां से आकर बसे थे? ऑप्शंस हैं, यूनान से, मध्य एशिया से, सप्त सिंधु से, अफगानिस्तान से। करेक्ट आंसर मध्य एशिया से। जी हाँ, आर्य लोग सर्वप्रथम मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के जो 20 सवाल थे। ये बहुत कठिन सवाल थे, बट हम लोगों ने आपको ये कलेक्ट करके इनके आंसर्स आपको एक ही चैनल में दे दिए, एक ही वीडियो में आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी दे होगा। और जो लोग भी गवर्नमेंट जो जॉब्स की तैयारी करते हैं, एसएससी, हरियाणा पुलिस या अदर जो सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके लिए हमारा ये चैनल, मैं बार बार यही कहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग
काफी जो नॉलेजेबल जीके होगी वो आपको मिलेगी, बट उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि भाई ये आपने इस चैनल में सुधार करने हैं। और वो वाले आप कोई सीरीज भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस सीरीज पे अपने जी के क्वेश्चंस यहाँ पे डालिए। तो दोस्तों, आज का ये था हमारा एपिसोड। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।